एक एचपी थ्री, उसके बाद तुम लोग एचपी वन मार मार के स्टन लॉक कर सकते हो। एचपी थ्री के बाद जिसका जो डैमेज आउटपुट हो जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भाई, एंड पॉइजन इम्यूनिटी भी है तो पॉइजन डीबफ के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे से काम कर लेगा, एंड बैटल ग्राउंड में भी बहुत अच्छे से काम कर लेता है लाइक हाई हेल्थफुल चैंपियंस के साथ, लाइक जैसे कि सैश कॉट हो गया, काइंड्रेड हो गया, इन लोगों के अगेंस्ट बहुत अच्छे से काम करता है। डॉक्टर डूम है, डॉक्टर डूम का भी आर्मर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो भाई इसका डैमेज आउटपुट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है वहाँ पर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये एज अ 7 स्टार है सर, रैंक 3 कर दो इमीजिएटली, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। ये ड्यूअल थ्रेड तो नहीं है लेकिन ये अटैक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब बात कर रहे थे भाई यहाँ पे हमारे सेकंड चैंपियन की, जो कि है कॉर्ग। मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट डिफेंडर है ये गेम के अंदर, अटैक में कुछ इतना खास नहीं है लेकिन डिफेंस में ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि जब ये डीबफ प्यूरीफाई वगैरह करता है ना तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। हाँ लेकिन इसके काउंटर्स काफ़ी सारे गेम में लाइक नेकासानी के लोग सब लोग हैं, अगर तुम लोग कॉर्ग को लेके जा रहे हो तो भाई इसके काउंटर्स को बैन जरूर कर लेना बैटल ग्राउंड्स के अंदर, वरना फिर कॉर्ग कुछ फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन डिफेंस में अगर ये है एंड अगर तुम्हारे पास लकीली इसका काउंटर नहीं है, क्योंकि भाई बैटल ग्राउंड में ज़्यादातर ये होता है कि चैंपियंस नहीं आते हैं जो मतलब काउंटर्स होते हैं वगैरह नहीं मिलते गेम के अंदर, ठीक है, तो कॉर्ग एक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है गेम के अंदर जो प्यूरीफाई करता है। इसकी रॉक शील्ड है, अनस्टॉपेबल, अनब्लॉकेबल, ये काफ़ी ज़्यादा सही है यार। एंड जब इसका एसपी वन ईजी तो है डेक्स करना, अब मेरे को ईजी लगता है जब से 60 FPS आ गया है, लेकिन भाई पहले बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता था। एंड भाई अगर जिसने भी एसपी वन इसका डेक्स नहीं कर पाया तो उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है पूरे मैच में, लाइक बैटल ग्राउंड का टाइमर 1 या 1.5 मिनट का होता है, 1.5 मिनट का होता है, तो उसके अंदर कम से कम ये तुमको 3 से 4 बार दे देगा भाई एसपी वन, लेकिन उसमें उस बीच में जो तुम्हारी हेल्थ जाएगी ना उस वजह से तुम हार सकते हो। इसके लिए भाई कॉर्क एक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है, लेकिन जब भी तुम इसको रैंक 3 करना जब तुम्हारे पास भाई ये अवेकेंड हो एंड थोड़ी सी 6 स्टोन्स हो, लाइक 100 के आसपास हो 6 स्टोन्स हो, तब तुम इसको भाई रैंक 3 कर सकते हो। एंड अगर ये अनअवेकेंड है तो मत करो रैंक 3, कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए भाई देख सकते हो मैंने भी रैंक 1 लेवल 25 का ही है, मैंने इसको रैंक अप रैंक 2 भी नहीं किया हूँ। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर तुम्हारे पास ये डुप्लीकेट है, अवेकेंड है, तो भाई इसको यूज़ करो, मतलब रैंक 3 करो, ठीक है। एंड अगर तुम्हारे पास अवेकेंड नहीं है तो इसको रैंक 3 मत करो। एंड अवेकेंड होने के बाद भी इसमें तुमको थोड़ी सिग्नेचर स्टोन वगैरह डालना पड़ेगी, तब जाके ये और अच्छा काम कर सकता है। तुम लोग इसकी एबिलिटी देख सकते हो, दैट मेक्स कॉन्टैक्ट जो भी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। एंड अब चलते भाई हमारे थर्ड चैंपियन की तरफ, जो कि है भाई ऑनस्लॉट। ये एज अ डिफेंडर भी बहुत अच्छा है, एज एन अटैकर भी बहुत अच्छा है, ये एक डुअल थ्रेड चैंपियन है। तुम बोल सकते हो कि ये डुअल थ्रेड बहुत अच्छे से काम कर रहता है, क्योंकि जो इसका डीजनरेशन डैमेज है और न्यूरोशॉक डैमेज है, डिफेंस में न्यूरोशॉक डैमेज बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, एंड भाई अटैक में डीजन डैमेज बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर तुम लोगों ने मान के चलो कि हैवी अटैक मतलब हैवी इंटरसेप्ट करना आता है तुम लोगों को, तो भाई तुम लोग इससे बहुत अच्छे से खेल पाओगे। अगर हैवी इंटरसेप्ट करना नहीं आता तो अटैक करना भूल जाओ, तुम लोग यहाँ पे उसको डिफेंस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऑनस्लॉट को यहाँ पे रैंक 3 करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि इसका डैमेज आउटपुट भी अच्छा है, लाइक जो डीजन डैमेज देता है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा डीजनरेशन डैमेज देता है। अगर तुम लोगों ने मेरा रैंक 3 डीजन गॉड वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा दिखाया हूँ कि भाई ये कितना अच्छा है। अगर तुम्हें गेम प्ले देखना है तो तुम उसके अंदर जाके देख सकते हो, वरना भाई ये तुम लोग देख सकते हो डॉन्टेड, न्यूरोशॉक और ऑर्गेनिक मैग्नेटिज्म जो भी है। न्यूरोशॉक एक वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटी है इसके पास गेम में। एंड भाई अगर मान के चलो कॉर्ग है तो तुम लोग ऑनस्लॉट को यूज़ कर सकते हो उसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर वो स्टन को प्यूरीफाई करेगा ना तो ये पैसिव स्टन कर देगा उसी टाइम पे। तो मेरे हिसाब से भाई ऑनस्लॉट एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है, अगर तुम्हारे पास है तो इसको रैंक 3 कर दो। एंड एक एडवांटेज ये भी है कि भाई हाई हेल्थबुल है, क्योंकि एक्सेल चैंपियंस की हाई हेल्थबुल ही रहती ज़्यादातर। एंड अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट चैंपियन की तरफ, तो भाई मेरा नेक्स्ट टॉप 4 मतलब समझ लो टॉप 4 चैंपियन है भाई सर्फेंट, क्योंकि स्पाइरल के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी इसका बेटर काउंटर है, क्योंकि स्पाइरल ही आई गेस सिर्फ डॉज कर पाती है इसकी एसपीस को और कोई भी डॉज नहीं कर सकता, तो जो ब्लॉक डैमेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है भाई जब भी इससे फाइट करो, ठीक है। एंड जो इसकी डेथ इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। अमेरिका चावेज ह्यूमन टॉर्च इन लोगों के आगे इतना अच्छा नहीं काम कर पाता, ये ह्यूमन टॉर्च के आगे सबसे बेकार काम करता है, क्योंकि जो डेथ इम्यूनिटी के टाइम पे रीजनरेट होता है ना वो नहीं होगा, एंड जो डेथ इम्यूनिटी का टाइमर है वो फटाफट हट जाता है, तो नोवा फ्लेम की वजह से ये थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है उसके आगे। लेकिन ये डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई, अगर कोई भी काउंटर नहीं है लाइक चावेज हो गया, कुशाला हो गया, ऐसा कोई चैंपियन नहीं है सामने वाले के पास, तो भाई सर्फेंट एक वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है। एंड मान के चलो बेस्ट से बेस्ट काउंटर भी होगा ना तो भी उसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी तो कम होगी, क्योंकि भाई इसका जो ब्लॉक डैमेज है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो मेरे हिसाब से भाई सर्फेंट एक वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है, लेकिन अगर अनअवेकेंड है तो मेरे हिसाब से इसको रैंक 3 करना वेस्ट हो जाएगा, रैंक 2 पे तुम लोग रख सकते हो। जो इसकी इमोर्टिलिटी है ना वो रहेगी ही नहीं, तो फिर आई गेस इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा डिफेंस पे। अगर कोई अच्छा प्लेयर होगा सामने तो वो भाई इजीली लेके चला जाएगा।
ठीक है। तो मैं तुम्हें खाली यही सजेस्ट करूंगा, जब भी ये अवेकेंड हो तभी तुम इसको रैंक 3 करना, वरना मत करो इसको रैंक 3। लेकिन जब भाई अगर ये अवेकेंड है तो तुम लोग फटाफट रैंक 3 कर दो, सोचो भी नहीं भाई कि इसको रैंक 3 करना चाहिए या नहीं। देख रहे हो भाई पावर गेन है, और ये जो भाई इनऑक्सरेबल है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि अगर तुम एक बार कॉर्नर हो गए ना भाई तो पेल के रख देगा। तो मेरे हिसाब से भाई सर्फेंट को रैंक 3 करना चाहिए, एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है गेम के अंदर। देखो यहाँ पे लिस्ट मतलब चैंपियंस तो काफ़ी सारे हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई इसको रैंक 3 कर दो, उसको रैंक 3 कर दो। अगर टेक में तुम्हारे पास है तो भाई तुम आयरन मैन को मत करना, इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि डैमेज आउटपुट तो अच्छा है लेकिन आई गेस रैंक 2 पर भी बहुत अच्छा काम कर लेगा, रैंक 3 करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज्ड हूँ भाई अमेरिका चावेज़ और डोमिनो में, यहाँ पे गार्डियन भी एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन है। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अब पाँचवें नंबर पर बात कर लेते हैं भाई डोमिनो को, मैंने यहाँ पर टॉप 5 में रखा हूँ अपनी, क्योंकि डोमिनो भी एक वन ऑफ द बेस्ट अटैकर भी है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर भी है। तो मेरे हिसाब से भाई अगर तुम्हारे पास डोमिनो है तो रैंक 3 बिना सोचे समझे कर दो। आई गेस ये जो क्रिटिकल फेलियर है इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं, लेकिन ये अगर तुम्हारे पास अनअवेकेंड भी है तो तभी भी तुम लोग इसको रैंक 3 कर सकते हो, क्योंकि इसके जो अनलक्की और लक्की चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं, जो डेक्सटिलिटी फेल कर देते हैं। मेरे हिसाब से भाई वो अनअवेकेंड भी आते हैं, एंड अनअवेकेंड भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड तुम लोग देख सकते हो इसकी भी अच्छी खासी डैमेज मतलब हेल्थ पूल है, तो ये बैटल ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है। एंड भाई जो इसका स्टार्टिंग में जो नॉन कॉन्टैक्टेबल अटैक है उसकी वजह से पेरी भी नहीं होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है, ब्लॉक डैमेज काफ़ी ज़्यादा दे देती है। एंड अगर ये अवेकेंड है तो भाई क्रिटिकल फेलियर तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता ही है। तो ठीक है, ये थे मेरे कुछ टॉप 5 चैंपियंस, एंड अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पार्ट 2 भी फटाफट लेके आ जाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।